तस्वीरों में जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूर्व सैनिक राजेंद्र हैं, जो गांव राजधाना से हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को उस समय टक्कर मार दी जब वो अपनी पत्नी के साथ घर का कुछ सामान लेने के लिए निकले थे। इस हादसे में उनकी मौके पर मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जो सिविल अस्पताल के आईसीयू में मौत और जिंदगी से जंग लड़ रही है। ये बालगढ़ से सोनीपत की तरफ में सिलेरियो गाड़ी थी, उधर दिल्ली नंबर 13 नंबर, पीछे से मोटरसाइकिल पर टक्कर मारी। कौन थे मोटरसाइकिल पे? मेरे मदर और पिता, मेरी माता और पिता दोनों थे। पिताजी मौके पे एक्सपायर हो गए? हाँ, पिताजी मौके, माताजी घायल है। माताजी आईसीयू में। गाड़ी चालक मौके से फरार है? हाँ, मौके से फरार। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। पिताजी का क्या नाम था? प्रताप सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे पिताजी? राड़दना से सोनी। सोनी बता रहे थे आते वक्त? ये अच्छा हुआ, सोनी पर से आप जाते हैं। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए सेक्टर 27 थाने में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अशोक ने बताया कि बालागढ़ रोड पर एक कार चालक ने बाइक पर सवार गांव राड़दना के रहने वाले पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौत हो गई और पत्नी का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सर, एक सड़क हादसा हुआ है, क्या पूरा मामला है? एक प्रताप सिंह गांव राठना रहने वाला था, जो अपनी मिसिस के साथ सोनीपत में कुछ सामान लेने के लिए था, जो कार चालक ने लापरवाही इसका एक्सीडेंट कर दिया, जो इस एक्सीडेंट में चोटों के कारण से प्रताप सिंह की मौत हो गई और जो इसकी मिसिस है उसको हॉस्पिटल में जोड़े जा रहे और लड़के के बयान पर मुकदमा दे दिया और सीधा ही चालक को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सोनीपत के गांव राठधाना का रहने वाला राजेंद्र बीएसएफ से नायाब सूबेदार की पोस्ट से सेवानिवृत्त है। बहालगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार मारुति सिलेरियो कार ने दोनों पति पत्नी को टक्कर मार दी और इस हादसे में राजेंद्र की मौके पर मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने उसकी पत्नी को सोनीपत के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया और इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। हादसे की सूचना मिलने के बाद सोनीपत सेक्टर 27 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राजेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।